चलिए आज के इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको बताने वाला कि किस तरीके से आप पिन कोड की वेबसाइट बना के 50,000 से भी ज्यादा महीने का कमा सकते हैं और जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगने वाली। एक बार मेहनत कर दी और उसके बाद जो है ईयर बाय ईयर जो है ये आपको पैसा देता रहेगा। अब आपके कई सारे सवाल होंगे, उन सवालों के जवाब भी आपको जो है इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूं। एग्जाम्पल के लिए, क्या वाकई लोग जो है पिन कोड को सर्च करते हैं, क्या वाकई इस पे इतनी वॉल्यूम है, तो ये सारी चीजें जो है मैं वीडियो के अंदर आपको बताने नहीं प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को जो है मैंने यहाँ पे दो अलग अलग सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया है। पहला वो सेक्शन जहां पे मैं आपको पिन कोड की वेबसाइट जो है वो वाकई अर्न करती है कि नहीं करती उसको मैं दिखाने वाला हूं। साथ ही साथ सेकेंड जो सेक्शन होगा वो यहाँ पे मैं बताने वाला हूं कि आप अगर ऐसी वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आपको कितना क्या खर्चा आ सकता है और आपको जो है किस तरीके से कहां से ये सारे पिन कोड्स वगैरह जो हैं वो मिलने वाले हैं। तो चलिए जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा गाइस। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजीत। तो अभी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूं आपको पिन कोड की वेबसाइट बनानी है तो वेबसाइट के लिए आपको जो है एक डोमेन चाहिए होता है और दूसरा चाहिए होता है आपको होस्टिंग स्पेस। तो अगर आप डोमेन रजिस्टर करना चाहते हैं या फिर आप होस्टिंग खरीदना चाहते हैं तो आप जो है होस्टिंगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मेरी जितनी भी वेबसाइट है, मेरे क्लाइंट्स की वेबसाइट है, वो सारी होस्टिंगर पे होस्टेड है और इनका जो है आपको काफी अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। यानी कि आपकी जो वेबसाइट है काफी स्पीड से लोड होती है और साथ ही साथ जो है आपको अदर बेनिफिट्स भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अगर आप होस्टिंगर से वेबसाइट डोमेन खरीदना चाहते हैं या होस्टिंग स्पेस लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया, उससे अगर आप क्लिक करके परचेस करेंगे तो वहां पे मेरा एफिलिएट लिंक है, तो आप अगर परचेस करेंगे तो उसका कुछ अमाउंट जो है वो मुझे भी मिल जाएगा। आई होप कि इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए जानते हैं कि वाकई पिन कोड के ऊपर में इतना ट्रैफिक है कि हम वेबसाइट बनाएं। तो चलिए जानने के लिए, प्रैक्टिकल देखने के लिए मैं लेके चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं, रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे और इस तरह का अगर आप कंटेंट और देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं डिजिटल वर्ल्ड के अंदर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। पहले मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूं गूगल पे। तो गूगल पे जाके मैंने यहाँ पे लिखा है पिन कोड ऑफ इंडिया और अगर आप देखें तो यहाँ पे कई सारे आपको वेबसाइट्स मिल जाती हैं। यहाँ पे पहले नंबर पे इंडिया पोस्ट आता है तो डेफिनेटली, लेकिन उससे भी पहले आपका जो है बैंक बाजार की वेबसाइट अवेलेबल है, जिसके ऊपर मैं, वैसे तो बैंक बाजार एक अलग निश है लेकिन फिर भी वो यहाँ पे पिन कोड को जो है वो रखे हुए हैं क्योंकि पिन कोड के अंदर काफी सारी वॉल्यूम जो है वो मिल जाती है। अब इसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ न्यूज चैनल भी अवेलेबल है, जो लोग क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा वॉल्यूम भी अवेलेबल है इसलिए न्यूज चैनल भी जो है अपनी वेबसाइट के ऊपर में इन पिन कोड्स को लिस्ट किए हुए हैं। तो देख सकते हैं काफी सारी वेबसाइट्स हैं जो अपने पिन कोड्स को ऊपर में जो है काम कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे आपको क्यों पिन कोड की वेबसाइट बनानी चाहिए, उसके पीछे बहुत ही सिंपल सा रीजन है। यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है, कंपटीशन बहुत कम है तो इसका मतलब है आपके चांसेस जो है हायर रैंकिंग में आने के बढ़ जाते हैं। और एक बार अगर आपकी वेबसाइट जो है वो रैंक में आ गई, और कैसे लानी है डोंट वरी, उसके भी मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा वो कैसे आएगी, तो उसके लिए आपको SEO करना होता है और वो भी आपको मैं अगले वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। अभी यहां पर न्यूज चैनल के जाते हैं तो डेफिनेटली मुझे बताने की जरूरत नहीं आपको कि न्यूज चैनल पे वैसे ही बहुत सारा ट्रैफिक है। अगर हम यहाँ पे जो है वेबसाइट देखें, ये वाली जो कि मैप्स ऑफ इंडिया है, तो अब यहाँ पे मैप से रिलेटेड है यानी कि अदर बहुत सारा कंटेंट है, इसका भी ट्रैफिक अगर चेक करेंगे तो बहुत ज्यादा मिलने वाला है। अगर मैं बैंक बाजार की बात करूं तो यहां पर भी बहुत सारा ट्रैफिक मिलेगा क्योंकि इसके ऊपर में कई सारे अदर चीजें भी जो है वो लिस्टेड है। लेकिन मैं आपको प्योरली बताना चाहता हूं कि जो हमारी पिन कोड की वेबसाइट है उसपे कितना ट्रैफिक होता है। तो यहाँ पे आप देखते हैं एक वेबसाइट है pincode.net.in। अगर मैं इसको एक बार रिफ्रेश करके भी दिखा दूं कि ये अभी भी होस्ट हो रखी है और यहाँ पे जो इनकी अर्निंग है तो आप देखते हैं यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट से आती है
और एडवर्टाइजमेंट जो है एक पेज के ऊपर 4 से 5 एडवर्टाइजमेंट लगा के रखी है, और ये सिर्फ और सिर्फ पिन कोड की वेबसाइट है, कुछ भी अदर कंटेंट अवेलेबल नहीं है। अब इसके ऊपर में कितना सर्च वॉल्यूम है आप खुद भी चेक कर सकते हैं, उसके लिए आप एक क्रोम ब्राउजर डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं सिमिलर वेब। तो हम यहाँ पे सिमिलर वेब पे जाके अगर सर्च करते हैं तो यू कैन सी ऑलमोस्ट 7.5 लाख का ट्रैफिक जो है एक महीने का इसके अंदर अवेलेबल है, और ये ट्रैफिक अगर आप ग्राफ देखेंगे तो ग्रो कर रहा है। हालांकि मैंने इसमें और भी डिटेल में दिखाने के लिए यहाँ पे इसको सिमिलर वेब के अंदर ही इसका जो खुद का ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे इसको और ज्यादा डिटेल के अंदर दिखाने की कोशिश करी है। तो यहाँ पे अगर 3 महीने का देखें, फरवरी मार्च और अप्रैल का, करीब 2+ मिलियन का जो है ट्रैफिक इनके पास अवेलेबल है, और यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है, यानी कि इतना लोग जो है आज भी सर्च कर रहे हैं डिजिटल वर्ल्ड होने के बावजूद भी। अब यहां पर इनका जो है मंथली विजिटर, जैसे मैंने अभी बताया, ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 7 लाख से ज्यादा का इनके पास में विजिटर है, जिसमें 4 लाख से ज्यादा का जो है यूनिक विजिटर जो है वो इसके अंदर लिस्ट किए गए हैं। अब यहां पर इतना ट्रैफिक है तो डेफिनेटली अगर आप देख सकते हैं कि एक पेज पे अगर 5 या 6 एड लगी हुई हैं तो कितना ये रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं, तो ये लाखों के अंदर जो है रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं। जबकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 50,000 तो कहीं नहीं गए अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे। अब इसके बाद जो है ये तो हो गया, आपको मैंने दिखाया कि वाकई लोग सर्च कर रहे हैं और आपका सिर्फ पिन कोड के ऊपर में कितना ट्रैफिक है। सेकंड जो सेक्शन है वो है हमारा कि किस तरीके से इतना सारा डेटा हम क्या मैनुअली फीड करेंगे। द आंसर इज नो, इसमें आपको ऐसा डेटा फीड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज अगर आप भी इस तरह की पिन कोड की वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं करना है। मैं आपको एक ब्लॉग का जो लिंक है वो आपको, अगर इस वीडियो के ऊपर में 50 लाइक आ गए, जैसे ही 50 लाइक आ जाते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक अपडेट करूंगा, जिसके अंदर एक होगी आपकी एक्सेल की शीट। अब एक्सेल की शीट जो है वो किस तरीके से दिखेगी और कितना उसके अंदर जो है पिन कोड्स होंगे वो अभी मैं आपको मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे एक बार ओपन करके दिखा देता हूं। तो यहां पर अगर मैं अभी, आप देख सकते हैं ये एक एक्सेल शीट है। अब इस एक्सेल शीट के अंदर सारे पिन कोड जो है वो अवेलेबल है, जो कि आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, और मैंने इसको इस तरीके से बना के रखा है क्योंकि अगर आप एक वेबसाइट बनाते हैं तो आप अगर डायरेक्टली पीएचपी का जो डेटाबेस होता है उसके अंदर जो है आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं, उसकी क्वेरी पूरी रेडी है। और यहाँ पे करीब 65,536 जो है पिन कोड्स अवेलेबल हैं, जो कि अप टू डेट हैं। आप जो है इनको 1x1 करके, जो थोड़ा थोड़ा करके आप इंसर्ट करेंगे, या 1x1 शॉट के अंदर भी कर सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा आप इसमें से ले सकते हैं। इतना डेटा है इसके अंदर जिसके बेसिस के ऊपर में आपकी वेबसाइट जो है वो बन सकती है। अब जो आपका सवाल होगा सर कि अगर इतना ट्रैफिक है तो आप अपनी वेबसाइट क्यों नहीं बना लेते, तो मैं आपको बता दूं कि मेरी खुद की वेबसाइट पिन कोड की, बैंक के जो आपका आईएफएससी कोड होते हैं उसकी, मेरे पास भी खुद की वेबसाइट्स हैं, लेकिन मैं उसको यहां पे डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि मैं जो है चाहता हूं कि मेरी जो वेबसाइट है उसकी प्राइवेसी जो है वो बनी रहे। हालांकि आप अगर सर्च करते हैं, आपको कहीं मिल जाती है तो डेफिनेटली आप सर्च कर सकते हैं। तो मेरी खुद की वेबसाइट है, राइट, और बहुत ही यूनिक नेम है, और जिसके अंदर पिन कोड का डेटाबेस भी मैंने डाल के रखा हुआ है, मैंने बहुत सारी बैंक्स का जो आईएफएससी कोड है वो भी उसके अंदर डाल के रखे हुए हैं, और साथ ही साथ हमने एसटीडी कोड का भी जो है उसके अंदर इंटीग्रेशन करके रखा हुआ है। यानी इतना ह्यूज डेटाबेस हमने जो है एक ही सिंगल वेबसाइट के अंदर बना के रखा है। ऑलमोस्ट 1 साल से वो वेबसाइट चल रही है और अब काफी अच्छी जो है वो अर्निंग अभी हमें करके दे रही है, और अभी जो है उसके ऊपर में हमने जितनी मेहनत करनी थी वो कर चुके हैं। अब वो धीरे धीरे ऑटोमेशन मोड पे आती जा रही है, अब उस पर ट्रैफिक जो है वो इंक्रीज होता चला जा रहा है, और जिसकी वजह से अभी 50,000 तो डेफिनेटली नहीं, लेकिन अभी जो है 3-4 हजार रुपए की जो अर्निंग है वहां तक 1 साल के अंदर मेहनत करने के बाद पहुंच चुकी है। अब जैसे जैसे उसमें ट्रैफिक ग्रो करेगा, जैसे जैसे उसमें हम एसईओ करेंगे, डेफिनेटली वो जो है बहुत ही जल्द जो है नेक्स्ट 1 या 2 ईयर के अंदर जो है वो लाखों रुपया महीना जो है वो एक वेबसाइट हमें कमा के देने वाली है। सो अगर आप भी जो है इस तरह की पिन कोड वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर लिख के बताइए,
आप नो कोडिंग पे जाना चाहते हैं तो मैं आपको वर्डप्रेस पे भी बता दूंगा, अगर आप कोडिंग पे जाना चाहते हैं तो मैं आपको रेडी टू यूज कोडिंग जो है वो दे दूंगा, पीडी आपके जो पीएचपी की कोडिंग होती है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सीधा कुछ नहीं करना है, डाउनलोड करना है और सीधा अपने डोमेन रजिस्टर करके उस पर अपलोड कर देना है। लेकिन ये कब और कैसे होगा ये आपको तभी मिल पाएगा जब आप जो है इस वीडियो के ऊपर 50 लाइक और जो है कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताएंगे कि आपको नो कोडिंग वाली वेबसाइट बताएं या कोडिंग के साथ में वाली जो वेबसाइट है वो बताएं। तो चलिए मैं मिलता हूं आपको एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।